टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हमारी जर्नी जो है कौन सी ट्रेन में होने वाली है और ट्रेन हम कहां से बोर्ड कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, मैं अभी मौजूद हूं दुर्गापुर स्टेशन पे, जहां पे हमारी आज जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 15233 कोलकाता दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और इसके साथ हम आपको ले चलते हैं थोड़ा पीछे। नमस्कार दोस्तों, रेल एक्सप्रेस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत करते हैं आप लोगों का फिर से एक नए ट्रेन ब्लॉग में। और आज हम लोग आ चुके हैं भाईचारे की शहर दुर्गापुर में। जी हाँ, और दुर्गापुर में हम लोग बोर्ड करने वाले हैं ट्रेन नंबर 15233 कोलकाता दरभंगा मैथिली एक्सप्रेस। कोलकाता स्टेशन से मैथिली एक्सप्रेस सुबह 10:40 पर रवाना होती है और 12 घंटे 35 मिनट का सफ़र तय करने के बाद ये दरभंगा जंक्शन पहुंचती है रात के 11:15 पे। तकरीबन 540 किलोमीटर की डिस्टेंस है जो 12 घंटे और 35 मिनट में ये ट्रेन पूरा कर लेगी। और इस ट्रेन के तकरीबन 8 हॉल्ट होंगे और टाइम हो रहा है अभी 12:20 और ट्रेन हमारी आने वाली है दुर्गापुर स्टेशन पे दोपहर के 1:12 पे। तो तकरीबन अभी 1 घंटे का टाइम है हमारे पास। चलते हैं स्टेशन के अंदर और बात करते हैं स्टेशन के बारे में। पांच प्लेटफॉर्म का बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है दुर्गापुर। और ये दुर्गापुर आता है वर्धमान आसनसोल सेक्शन में, आसनसोल डिवीज़न के अंदर। दुर्गापुर स्टेशन को ओपन किया गया था साल 1855 में और इस सेक्शन को इलेक्ट्रिफाइड किया गया था 1965 में। मैथिली एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में तो इस ट्रेन को पहली बार चलाया गया था 6 दिसंबर 2010 और पहले तो ये ICF कोच के साथ ही चलती थी, बाद में इसको जो है LHB कोच में कन्वर्ट किया गया। और अगर टिकट प्राइसेस की बात करें तो कोलकाता स्टेशन से दरभंगा जंक्शन तक इस ट्रेन का फर्स्ट एसी का जो किराया है वो है 2050 रुपये, सेकेंड एसी का किराया है 1230 रुपये, थर्ड एसी का किराया है 870 रुपये, थर्ड एसी इकोनॉमी का 795 रुपये, स्लीपर क्लास का 320 रुपये और जनरल कोचेस का किराया लगभग 200 रुपये के आसपास है। टाइम हो रहा है 1:35 और ट्रेन हमारी आ चुकी है। जर्नी होगी आज स्लीपर क्लास पे और कोच नंबर है हमारा S2। और सीट नंबर 72 साइड अपर। दुर्गापुर से इस ट्रेन का डिपार्चर था दोपहर के 1:12 पे, लेकिन टाइम हो रहा है 1:40 और ट्रेन हमारी रवाना हो चुकी है।
लगभग 204 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के बाद हमारी ट्रेन आ पहुंची है। इस ट्रेन का चौथी स्टॉपेज आसनसोल जंक्शन। यहाँ पर इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम था दोपहर के 2:11 पे और ट्रेन यहाँ पहुंची है दोपहर के 2:15 पे, लगभग 3 मिनट के देरी से यहाँ पहुंची है। आसनसोल जंक्शन, स्टेशन कोड ASN, गाड़ी हमारी यहाँ पे 3 मिनट डिले से पहुंची है। और इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज है जसीडीह जंक्शन, शाम के 4 बजे पहुँचेगी। फिलहाल सिग्नल हो चुका है। आसनसोल जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन तो धनबाद के रास्ते मुगलसराय तक जाती है, एक लाइन यहाँ से जसरी झांझा के रास्ते पटना की तरफ जाती है और एक लाइन और जो है यहाँ से आद्रा जंक्शन के रास्ते टाटा नगर तक जाती है, इसलिए ये एक मेजर जंक्शन पॉइंट है। टाइम हो गया है 2:20 और ट्रेन रवाना हो चुकी है आसनसोल स्टेशन से। पहुंच चुकी है जसीडीह जंक्शन। यहाँ पे इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम था 4:01 पे, लेकिन यहाँ पे ट्रेन पहुंची है 4:27 पे। जसीडीह जंक्शन 5 प्लेटफॉर्म का एक बहुत ही मशहूर स्टेशन है क्योंकि यहाँ से बाबा वैद्यनाथ धाम देवगढ़ जाने के लिए यहाँ से लाइन जाती है। 170 ट्रेनों का यहाँ पे रोजाना हॉल्ट है और 24 ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट और ऑरिजिनेट भी होती है। फिलहाल अभी मैथिली एक्सप्रेस खड़ी हुई है जसीडीह जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। समय हो चुका है 4:07 और ट्रेन जसीडीह जंक्शन से रवाना होते हुए। टाइम हो रहा है 5:25 और ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है झाझा स्टेशन। 360 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हमारी मैथिली एक्सप्रेस ट्रेन पहुंच चुकी है झाझा स्टेशन पे और यहां पे इस ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉपेज है। इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज है बरौनी जंक्शन रात के 7:55 पे, शाम के 5:28 और बिल्कुल राइट टाइम पे गाड़ी हमारी रवाना हो चुकी है झाझा स्टेशन से। और इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज है बरौनी जंक्शन। टाइम हो रहा है 7:31 और मैथिली एक्सप्रेस बरौनी जंक्शन में पहुंच गई है बिफोर टाइम। फिलहाल बरौनी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे खड़ी है मैथिली एक्सप्रेस। 450 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है मैथिली एक्सप्रेस। अपनी निर्धारित समय 8:06 पे मैथिली एक्सप्रेस बरौनी जंक्शन से रवाना होते हुए। तकरीबन 502 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मैथिली एक्सप्रेस ट्रेन आ पहुंची है बिहार के समस्तीपुर जंक्शन में और यहां पे इस ट्रेन का अराइवल टाइम था 9:40 पे, लेकिन यहां पे ट्रेन एडवांस पहुंची है 9:10 हो रहे हैं अभी और ट्रेन यहां पे आधा घंटा पहले पहुंची है। दोस्तों, हमारी इस मैथिली एक्सप्रेस ट्रेन की जर्नी समस्तीपुर स्टेशन पर आके ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग जो है
करके अच्छा लगा है। और मैथिली एक्सप्रेस अभी खड़ी है समस्तीपुर जंक्शन के 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे, और इसका अगला स्टॉपेज ही होगा इसका अंतिम स्टेशन दरभंगा जंक्शन में। ये ट्रेन पहुँचेगी रात के 11:15 पे, और 540 किलोमीटर की इसकी जो जर्नी है वो समाप्त होगी। ब्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी अन्य ट्रेन की जानकारी के साथ। तब तक के लिए सुस्त रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, जय भारत।